नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण, धन कमाने, पद प्राप्त करने या चातुर्य दिखाने में कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो भी यदि वह भावना और कर्तव्य की दृष्टि से गिरा हुआ है तो उसे सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय व्यक्ति ही माना जाएगा। इसे की सफलता ये उसके निज के लिए सुविधाजनक हो सकती है, पर उससे देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति का कुछ भला नहीं हो सकता। अमेरिका सम्मान यह हमारा एक ऐसा दूषित सामाजिक दृष्टिकोण है जिसके कारण लोग अनुचित रीति से भी धन कमाने में संकोच नहीं करते। धनी लोग अपने धन के द्वारा सुख भोगे इसमें दर्ज नहीं, पर उसके इसी कारण सम्मान मिले कि वे धनी है तो यह अनुचित है। सम्मान केवल परमार्थी और सदाचारी लोग के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। हमने अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब कहने मात्र से काम नहीं चल सकता। ऐसा करने से बुरा का विरोध न हो सकेगा और वे मनमानी करने का अपनी दुष्टता बढ़ाते हुए दूसरे लोगों के लिए दिन दिन अधिक भयंकर होते चलेंगे। इसी प्रकार सज्जनों के कार्यों में प्रोत्साहन या सहयोग न दिया जाए तो वे भी निराश होकर चुप बैठे रहेंगे और उसके कार्यों से अनेकों को जो लाभ हो सकते है थे वे न हो सकेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय। आत्मचिंतन की क्षण। ए नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम्हारी हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोग में अपना और कोई नहीं। सुख शांति सहाय संबल संपद ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि बल वासगृह आराम स्थल आत्मीय मित्र परिवार सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इहल काल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्ग धाम हो। शास्त्र विधि को कर्पतरु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही शस्त्राष्टा पालनकर्ता और पासे हो। दंडदाता पिता स्नेहमयी माता और भवान के कर्णधार भी तुम ही हो। एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्तों के जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह मन आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं और नित्य हरि नाम देने लगे और चांडाल तक सभी की गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण नहीं है, भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। उठ कटीली घास तो बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से दड़ दड़ खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्य को इतना सुख प्रताप मिलता है किंतु कुछ की दिन बीते हुए सब भूल गए। जय गुरुदेव। ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है।